शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मोहिनी का रास्ता काट के तो काली बिल्ली भी मर जाती है। कौन हो तुम? उसके जीने मरने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मर जाने देती उसे। आज एक बार आपने ये बात कह दी है। अगली बात कहने से पहले एक बात याद रखना दीदी। नाम फूलों जैसा है, स्वभाव अंगारों जैसा। विक्रम, 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 कूद जाओ। कूद जाओ। भैया को एक भी खरोच नहीं आई है। तो अपने भैया से कुछ सीखो। ग्रीन वेजिटेबल खाने से यही होता है, इतने ऊपर से गिरने पर भी ना खरोच नहीं आती है। समझ में आ रही है? अरे मम्मी प्लीज यार, आप चुप हो जाइए। कोई कितने भी ऊपर से गिरे उसे खरोच तो आती है। हाँ, लेकिन विक्रम को नहीं लगी ना। अरे चुप रहो। अच्छा हो उसको चोट नहीं आई, भगवान का शुक्र है। उसको चलो अंदर लेकर चलो। क्या हुआ डॉक्टर? आप लोग कह रहे हैं ये छत से कूदे? आप लोग मजाक कर रहे हैं? क्यों, आप क्या हमारे कोई जीजा लगते हैं जो हम आपसे मजाक द जोक करेंगे? अलबेला
अगर आप लोग मजाक नहीं कर रहे तो उन्हें चोट तो क्या हल्के से खरोश तक क्यों नहीं आई? डॉक्टर साहब वो सब छोड़िए, विक्रम सही तो है ना? हाँ हाँ, घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने पूरी तरह से चेक किया है, ये बिल्कुल ठीक है। रक्षणी के होते हुए विक्रम पे कोई आंच भी नहीं आ सकते। लेकिन ये किसी की बात क्यों नहीं सुन रहा था? देखिए कई बार ऐसा होता है कि तनाव की वजह से आदमी नींद में चलने लगता है, बट इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर दोबारा ऐसा होता है तो मुझे इनके कुछ टेस्ट करवाने होंगे। ओके, अब मैं चलता हूँ। आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अक्षय, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा, क्योंकि अब रक्षणी हमारे घर आ चुकी है। रक्षणी के होते हुए विक्रम पे कोई आंच भी नहीं आ सकती। मोहिनी का रास्ता काट के तो काली बिल्ली भी मर जाती है, तुम मोहिनी का रास्ता काट के अभी भी जिंदा हो? कैसे? तुमने मेरी शक्तियों को कैसे रोका? कौन हो तुम? ये कैसा सपना है? शक्तियाँ इस्तेमाल की? सब अपनी तो शक्तियाँ इस्तेमाल करते हैं, दूसरों की शक्तियाँ कौन इस्तेमाल करता है? मतलब तुम्हें अपनी शक्तियों को संभालना आ गया? बहुत मुश्किल था, पर आज पहली बार हमने अपनी मर्जी से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। अगर इस्तेमाल नहीं करते तो वो नहीं बचते। कौन नहीं बचता? सब कह रहे थे कि वो नींद में चल रहे, पर हम जानते हैं कि वो नींद में नहीं चल जाते। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो हो जाता। उसके जीने मरने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मर जाने देती उसे। आज एक बार आपने ये बात कह दी है। अगली बार कहने से पहले एक बात याद रखना दीदी। नाम फूलों जैसा है, स्वभाव अंगारों जैसा। वाह, कद जोर की बात कही है चंपा। तुम्हें विक्रम अच्छा लगने लगा? याद रख, वो विक्रम नहीं है, विक्रम सिंह राठौड़ है। इस राठौड़ परिवार का वंशज, जिसने न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है, कितनी लड़कियों की जाने ली है, जैसे तुम्हारी बहन तारा। सुंदरी। दीदी, हम ना कुछ भी नहीं भूले, हमें अभी सब कुछ याद है। जानते हैं चंपा, तुमने विक्रम की जान इसीलिए नहीं बचाई कि उसने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा। विक्रम की जगह कोई और भी होता ना तो तुम उसकी मदद जरूर करती, क्योंकि तुम अच्छी हो। और हमारी शक्तियां इसीलिए तो है कि कोई भी मुसीबत में हो तो हम उसकी मदद करें। और जब हम तीनों ने अपनी शक्तियों से इसकी मदद की है तो हम इसे कैसे रोक सकते हैं किसी और की मदद करने से? पर चंपा, एक बात जरूर याद रखना, जब दिल कमजोर पड़ जाता है ना तो इंसाफ नहीं कर पाता। इस गांव पर जुल्म करने वाला वो परिवार कांच के महल में रहता है, और अगर उस महल को तोड़ना है तो पत्थर बनना पड़ेगा। तुम्हें आज नहीं तो कल कठोर होना पड़ेगा चंपा। राठौर परिवार एक ऐसी तलवार है जो एक बहुत खूबसूरत मयान में रहती है। उस मयान की खूबसूरती से तलवार की धार मत भूल जाना, क्योंकि वो वही तलवार है जिसने तुम्हारी बहन तारा की जान ली। और अच्छी बात तो ये है चंपा कि तुम अब अपनी शक्तियां इस्तेमाल करना सीख रही हो। नौ निधियों तक पहुंचना है
तो तुम्हें अपनी शक्तियों पर पूरा काबू पाना पड़ेगा। चंपा जाओ, अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करने का अभ्यास करो। जाओ। दीदी, अगर वाकई में इसे विक्रम से प्यार हो गया तो बस ये दुआ करो कि ये होने से पहले वो नौ नीदिया ढूंढ लाए। तुम सब जाओ यहाँ से, आराम करो। दादी माँ, आप भी चाहिए, मैं यहाँ पे विक्रम का ध्यान रखूंगी। हम रहेंगे विक्रम के पास। नहीं माँ जी, विक्रम के पास कोई भी बैठे, आप नहीं बैठेंगे। किरण तुम रुको यहाँ। रेखा, अम्मा जी की पुरानी वाली चप्पल तो ले। क्यों मम्मी जी? नई वाली से थोड़े ना मारेंगे, टूट जाएगी। ठीक कह रही बहू, इस समय किरण का विक्रम के पास बैठना ज्यादा जरूरी है। तुमने देखा जेठानी जी ने कैसे बाल्टी भर भर के बदतमीजी की है, लेकिन अम्मा ने एक भी शब्द नहीं बोला, ये कैसे हो सकता है? मम्मी, भैया अभी मरते मरते बचे हैं, आपको गॉसिप चाहिए? वो गॉसिप चाहिए? तो गुस्सा क्यों हो रहा है? गुस्सा नहीं हो रहा हूँ रेखा भाभी, मम्मी को गॉसिप दो वरना बीमार हो जाएंगे। बड़ी माँ विक्रम के लिए परेशान होंगी मम्मी, वरना उनका ऐसा नेचर नहीं है। तो तुम्हारा कैसा नेचर है? हम तुम्हारी सासू माँ हैं, अपनी सासू माँ के साथ बैठ के दो चार मिनट गॉसिप कर लोगी ना तो घिस नहीं जाओगी। बता रही हैं। माना के खतरा था, लेकिन खतरा उठाना जरूरी था। मोती चाहे तो गहरे समुद्र में जाना ही पड़ता है, और देख हमें कैसा मोती मिला। किरण रक्षिनी है वो, अगर किरण रक्षिनी नहीं होती तो विक्रम को नहीं बचा पाती। किरण ही वो रक्षिनी है। खुश है ना? बहुत खुश हूँ माँ जी, पर एक सवाल भी है। कैसा सवाल? अगर वो रक्षिणी नहीं होती तो गहरे समुंदर में आप नहीं थी ना माँ जी, मेरा बेटा था। विक्रम, हम थोड़ा सोकर आते हैं, हम अभी आए। पानी,
पानी पानी। थैंक यू किरण। हे छोटी कुमारी, तुम बार बार जाके बाबू से कायले पड़ जाती हो। हमरे पास आओ, हमरी छोटी हो ना तुम। आ जाओ देखो वरना खींच देंगे हम। आओ आओ ना, मान जाओ प्लीज, मान जाओ वरना जिंदगी भर तेल नहीं लगाएंगे, झूलती रहना सूखी बन के। आ जाओ ना प्लीज। कहाँ है तुम्हारा, हाँ कहाँ है? हमारी छोटी कुमारी होकर हमारे खिलाफ धरना प्रदर्शन, वाह अच्छा से ला दिया। हाँ आ जाओ देखो, नाटक मत करो, मान जाओ। प्लीज प्लीज आ जाओ प्लीज, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। प्लीज हमारे पास आ जाओ, बाबू को छोड़ दो मत। आज तो हम तुम्हारा खेल जान कर ही रहेंगे, पर कैसे, कहाँ करें कहाँ करें कहाँ कर। ऊटू डायन की चोटी का रास क्या होता है? बाबू हमरे जिंदगी का राज खोल देते। हमारे चैनल डायन शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डायन की चोटी। डायन की शक्तियाँ उसके सींग के साथ साथ उसकी चोटी में भी होती है, मगर एक खास बात और है उसकी चोटी में कि वो डायन की नहीं डायन के दिल की सुनती है। अब जैसा कि हर डायन जानती है, डायन का दिल है डायन की मुश्किल, क्योंकि दिल काफी कमीना और घुन्ना किस्म का प्राणी होता है। वो हमारे सीने में रहके हमी से सीक्रेट्स रखता है। जो बातें दिल डायन को भी नहीं बताता वो उसकी चोटी को बताता है। तो अगर आप एक डायन हैं, तो अपनी चोटी से दबाइए बेल आइकन और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बकवास करा लो बस लोगों से। ये बाबू के पास हमें नहीं बैठना, हमारा मन नहीं कर रहा। गंभीर बात है, बाबू को छोड़ दो वरना हम कैची लाएंगे और तुम्हें अभी के अभी काट देंगे। डायन है हम, हमसे तो डरो। सोते ही रह गई और विक्रम, अलबेला जी दादी जाओ किरण को ऊपर चाय देकर आओ। रात भर वो विक्रम के पास बैठी रही होगी बेचारी, थक गई होगी।
उसको बोलना चाय पीकर सो जाएगी। जी दादी। वो बाबू हमारी चोटी को मार। क्या हुआ तुम्हारी चोटी को? वो हम तुम ये लीजिए। विक्रम भैया को होश आ गया। दादी माँ माँ जी सब लोग जल्दी आओ, जल्दी देखो विक्रम भैया को होश सेंस आ गया। छत पे जाने से पहले क्या हुआ कुछ याद है? वो आपका आखिरी चीज क्या याद? मैं किरण के साथ था, के बाद का तो कुछ याद नहीं। तो ये बताओ कि तुम और किरण आधी रात को आंगन में अकेले कर क्या रहे थे? वो चाची जी, मैं किरण से कुछ बात करना चाहता था। लेकिन बेटा विक्रम, एक बिन ब्याही लड़की को आधी रात में अकेले बुलाकर बात करने का ना हमारे यहाँ कुछ और ही मतलब निकाला जाता है, है ना अम्मा जी? बात तो तुम सही कह रही हो माधुरी। हमारे खानदान में शादी से पहले यूं लड़के लड़की का छुप छुप के मिलना सही नहीं माना जाता, इसलिए इन दोनों का ब्याह अब जल्दी करना होगा। कलश अपनी जगह पर नहीं है, गायब हो गया। इस घर में चोरी मोहिनी चंपा। एक कील तो हमरा नाम ले रहा है।